हेलो बच्चों, हमने अपनी हिंदी गुंजन में अब तक बहुत सारी मात्राएं पढ़ ली हैं, जैसे आ की मात्रा, इ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा। आज हम इस वीडियो में उन सारी मात्राओं को एक बार फिर से देखते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो हम इस वीडियो में एक बार फिर से इन सारी मात्राओं को वापस से दोहराते हैं। आ की मात्रा, इ की मात्रा, ई की मात्रा और उ की मात्रा। अभी हम आ गए हैं आम के बगीचे में। आम मीठा मीठा रसीला आम। आम से हम सीखेंगे आ की मात्रा। आ की मात्रा बनाने के लिए हमने क्या किया था? सीधी लाइन और एक खड़ा डंडा, तो ये बनेगी आ की मात्रा। और जब इसकी आवाज हम निकालेंगे तो निकलेगी आ आ। जिस भी व्यंजन के साथ हम इसे लगाएंगे तो उसका साउंड, उसकी आवाज आएगी आ। जैसे का, गा, चा। बच्चों, ये है इंटरनेट की दुनिया। इंटरनेट जिससे अभी आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वीडियोस, है ना? तो ये इंटरनेट जो आजकल हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। इंटरनेट, ई ई से इंटरनेट। ई की मात्रा बनाने के लिए हम सबसे पहले सीधी लाइन पर एक खड़ा डंडा बनाते हैं, मतलब सीधी लाइन बनाते हैं, खड़ी लाइन बनाते हैं, और उस खड़ी लाइन से मिलाकर बनाते हैं आधा गोला। तो ये हमारी बनती है इ की मात्रा। पहले एक खड़ी लाइन और उसके बाद एक आधा गोला। जब भी हम इस मात्रा को किसी व्यंजन के साथ लगाते हैं तो इसकी आवाज आती है इ। जल्दी से बोलते हैं इ, जैसे कि, गी और ची। जो कोई भी मकान बनता है तो उसमें सबसे जरूरी जो हिस्सा होता है वो है ईंट। हर मकान में ईंट बहुत जरूरी होती है। ईंट ईंट जोड़कर हम अपना मकान, घर बनाते हैं। ई से ईंट। ई की मात्रा को बनाने के लिए हम सीधी लाइन, उसमें हम सबसे पहले बनाते हैं आधा गोला और उस आधे गोले से मिलकर बनाते हैं एक खड़ी लाइन। तो हमारी बनती है ई की मात्रा। जैसे की, गी, ची। उ से उपहार। हाँ, आप जब भी बर्थडे पार्टी में जाते हैं या आपकी बर्थडे पार्टी होती है तो आपको ढेर सारे क्या मिलते हैं? उपहार। उ से उपहार। उ की मात्रा बनाने के लिए हम पहले एक गोला बनाते हैं और उसी गोले को आगे ले जाके मोड़ देते हैं, तो बनता है उ। जैसे क के साथ लगाया तो बना कु, ग के साथ लगाया तो बना गु, और च के साथ लगाया तो बना चू।
बच्चों यहाँ कुछ आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, आपको उनके नाम बताने हैं। सबसे पहले है किताब, क के साथ छोटी ई की मात्रा, किताब। और दूसरा है गुलाब, गुलाब, ग के साथ छोटी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, गुलाब। छोटी ई और छोटा ऊ, की और गु। बच्चों यहाँ पर हमने कुछ अक्षर दिए हैं आपको, इन अक्षरों के साथ आपको उ की मात्रा को जोड़कर कुछ शब्द बनाने हैं। अब ये शब्द आप कैसे बनाएंगे? जैसे ग, री और या। अगर यहाँ पर मैं ग के नीचे ऊ की मात्रा बनाऊंगी तो ये बनेगा गुड़िया। एक और बनाते हैं, ज, रा और ब। यहाँ पर मैं ज के साथ अगर छोटे ऊ की मात्रा लगाऊंगी तो बनेगा जुराब, जुराब। तो ये आपकी कुछ मात्राएं थी बच्चों जो हमने अभी तक सीख ली हैं। आप इनके वापस से रिवाइज करिएगा इनको और ध्यान से अपनी एक्सरसाइजेस पूरी करिएगा।